कहा जाता है कि जब दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी जो मॉर्निंग हो वो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड हेल्दी मॉर्निंग हो। हेल्दी मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सुबह उठते से सबसे पहले हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या मैं कहूँ इस्तेमाल ही नहीं, सिर्फ वो हर घर की ज़रूरत होती है, नीड होती है, असेंशियल होता है वो प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट का सही चुनाव ना किया जाए, आप बिना सोचे समझे उसको यूज़ करने लगते हैं, तो जाने अनजाने आप खुद ही अपनी गुड मॉर्निंग को, गुड हेल्दी मॉर्निंग को अनहेल्दी मॉर्निंग कर लेते हैं। तो मैं हूँ आरजू, आज मैं आपकी मॉर्निंग को हेल्दी मॉर्निंग बनाने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ज़बरदस्त प्रोडक्ट की डिटेल लेकर आई हूँ। आप लोगों ने थंबनेल से गेस किया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट एंड वर्ल्ड बेस्ट टूथब्रश के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एटमी प्रोपोलिस टूथपेस्ट जो कि दो पैकेजिंग में आता है, सबसे पहला ये 200 ग्राम्स के पैकेजिंग में आता है और ये जो है 50 ग्राम्स के पैकेजिंग में आता है इंडिविजुअल, अगर आप ट्रायल बेस से देखना चाहें। और मैं आपको एटमी एंटी बैक्टीरियल टूथब्रश के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत सुंदर से कलर्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूथपेस्ट के बारे में। एटमी का जो टूथपेस्ट है ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट है, और ये जो टूथपेस्ट है ये नॉर्मल टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको साधारण पेस्ट मत समझिएगा। बाकी इसके बहुत मिरेकुलस रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड पेस्ट है। बहुत सारे लोगों को इस टूथपेस्ट को यूज़ करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। अभी हम मार्केट का कोई ना कोई टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज़ करते हैं, बट ईमानदारी से सोचिए कि उसको यूज़ करने से हमें उतने ज़्यादा रिजल्ट्स बेनिफिट्स नहीं आते हैं। लेकिन एटमी का जब आप प्रोपोलिस टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो ये आपके जो ओरल केयर है उसको हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने देता अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। और अगर आपको कोई डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करने में ये जो टूथपेस्ट है मदद करता है। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, आप इसको देख रहे हैं ऊपर लिखा है प्रोपोलिस। इसको हम लोग प्रोपोलिस टूथपेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेजर और प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोपोलिस यूज़ किया है, साथ ही साथ इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ किया है। अभी ग्रीन टी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि उसको पीने से वेट लॉस होता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करती है, डिटॉक्स करती है, और क्लिंजिंग के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ग्रीन टी इस टूथपेस्ट में जो यूज़ किया है ये आपके दांतों की बहुत ही अच्छी तरह से क्लिंजिंग कर देता है, और आफ्टर क्लिंजिंग अगर कोई बैक्टीरिया रह जाता है तो प्रोपोलिस उस बैक्टीरिया को किल करता है और आपके आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर देता है जिससे कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जर्म्स आपके दांतों पर ना लगे। अभी प्रोपोलिस क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हों कि प्रोपोलिस क्या है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। जो प्रोपोलिस है ये एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो कि मधुमक्खी के छत्ते में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो कहीं भी लगा हो, बट धूल धूप जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो उस छत्ते में प्रवेश नहीं करते हैं, और शहद जो होता है, हनी होता है छत्ते का, वो हमेशा प्योर निकलता है। और कहा जाता है कि इस दुनिया में जो एनिमल किंगडम है उनमें सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित और जो साफ घर होता है वो हनी बीज का ही होता है, मधुमक्खियों का होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रोपोलिस। प्रोपोलिस मोम होती है जो मधुमक्खी के छत्ते पे बाहरी तौर से नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और बाहर की तरफ होती है, जो उस छत्ते को प्रोटेक्ट रखती है, और इसी प्रोपोलिस को हिंदी में कुछ लोग मोम भी बोलते हैं। प्रोपोलिस के बेनिफिट्स की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, और भी न जाने इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप अगर गूगल करेंगे ना तो इसको बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा इतिहास निकल कर आएगा। बहुत सारे लोग आजकल इसको यूज़ भी करने लगे हैं, एज अ हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी इसको यूज किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। और एटमी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस प्रोपोलिस को एटमी प्रोपोलिस टूथपेस्ट में यूज़ किया गया है जो कि मेजर इंग्रेडिएंट है। और इसका वर्क क्या होता है, ये जो है आपके दांतों में आसपास जो भी बैक्टीरिया की जमी हुई परत होती है उसको रिमूव करने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है,
टार्टर डिपोजिशंस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, डेंटल कैविटीज़ को ठीक करता है, जिन लोगों को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, ये टूथपेस्ट एटमी प्रोपोलिस टूथपेस्ट उस पर भी बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाता है। साथ ही साथ एटमी प्रोपोलिस टूथपेस्ट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया है जो डेंटल प्लैक को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बैक्टीरिया की परत जो दांतों में जम जाती है, आपने देखा होगा पीली परत जम जाती है जो मोस्टली अभी 90% लोगों के साथ होता है, तो ये उसको भी रिमूव करने पर बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिनको गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, टार्टर डिपोजिशन, जिनके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है या दांत ढीले पड़ जाते हैं, गम्स से गैप्स हो जाता है, या जिन लोगों को सूजन होती है गम्स में बहुत ज़्यादा या गम्स से ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए इसमें सोडियम पायरोफॉस्फेट यूज़ किया है। ये आपको गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है, मदद करता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मरकैप्टन यूज़ किया है जो बैड ब्रीथ की जो प्रॉब्लम होती है उससे आपको रिलीफ दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, सांसों से जो दुर्गंध वाली प्रॉब्लम होती है। डेंटल कैविटीज़ के लिए इसमें मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड और ज़ाइलेटोल यूज़ किया है जो कैविटीज़ होती है तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इनको ऑर्गेनिक मैटर में तैयार करके एटिमिनस में यूज़ किया है जो कैविटीज़ से भी छुटकारा दिलाता है। जनरली जो लोग मीठा खाते हैं या बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो उनको कैविटीज़ हो जाती है, तो उस पर भी ये जो टूथपेस्ट ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। तो देखा आपने कि ये नॉर्मल नहीं है टूथपेस्ट, ये बहुत सारे मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं और बहुत सारे जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है वो इसके बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मैंने भी पर्सनल इसको यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है इस टूथपेस्ट को यूज़ करके। साथ ही साथ मैंने अपने जिन क्लाइंट्स को दिया है, जिन लोगों को दिया है, उनके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव फीडबैक हैं इस टूथपेस्ट से। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इवन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कराते हैं बच्चों को तो हम लोग हमारे जो बड़े होते हैं उनकी गाइडेंस में, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो टूथपेस्ट को खाने लगते हैं तो वो भी कई बार हमें नुकसान कर जाता है। तो ये जो टूथपेस्ट है इजीली इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है, आप सुबह और शाम ब्रशिंग करें, और अगर आपको ज़्यादा डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील होता है तो रात के समय आप अपने दांतों में दो से इसका लेयर भी लगा सकते हैं, 2 से 4 मिनट छोड़ के फिर आप उसको वॉश कर लें। तो ये एक बात की हमने टूथपेस्ट के बारे में। हमें कोई दांतों से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ टूथपेस्ट पर ही फोकस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपके टूथब्रश का भी होता है। सही टूथपेस्ट और सही टूथब्रश यूज़ करते हैं तभी आप एक हेल्दी ओरल केयर पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ हमारे दांतों को साफ़ करना नहीं बल्कि हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, उनकी हेल्थ की केयर करना, ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो गम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके टूथब्रश का होता है। तो आज मैं आपको सबसे परफेक्ट और बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एटमी टूथब्रश के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर से 4 कलर्स में आते हैं, पिंक, ब्लू, गोल्डन और ये ट्रांसपेरेंट कलर्स है। ये जो टूथब्रश है एटमी का और साउथ कोरिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, और आज तक करोड़ों लोगों ने इसे यूज़ किया है, इसको आज़माया है और इस ब्रश पर भरोसा किया है, और पिछले साल तक 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा इस ब्रश की सेल हो चुकी है। सेकेंड्स में ये ब्रश बिकता है, आप इसको देख ही सकते हैं, ये इतना प्यारा, इतना अट्रैक्टिव ब्रश है। और ये जो ब्रश है ये कोई साधारण ब्रश नहीं है, आप इसके जब फ़ायदे सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, तो चौंकिएगा मत। अब मैं इसकी स्पेशलिटी के बारे में आपको बताती हूँ कि ये जो टूथब्रश है, सबसे पहले इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब हमारे फेस स्किन पर भी इसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी रश नहीं होगा। जिन लोगों ने इसको देखा, इसको यूज़ किया है, फील किया है, वो समझेंगे इसके बारे में। ये जो ब्रिसल्स हैं, इसके ब्रिसल्स सुपर सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं। आप हम लोग सस्ते ब्रशों में जाते हैं या बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 10-10 रुपये में भी ब्रश आ जाते तो हम आपका ये ब्रश क्यों लें। तो जब हम सस्ते क्वालिटी के या बिल्कुल लो क्वालिटी के ब्रश में जाते हैं तो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं,
और जब आप ज़्यादा प्रेशर लगा के या हार्ड ब्रश से अपने दांतों को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपके जो टीथ होते हैं उस पर जो एक लेयर होती है, नेचुरल लेयर होती है, जिसको एनिमल भी बोलते हैं, वो लेयर हट जाती है, जिसकी वजह से आपको गम से रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत स्टार्ट होती है। तो आप जो भी ब्रश यूज़ करें वो सुपर सॉफ्ट होना चाहिए, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट है। और इसके जो ब्रिसल है, एक ब्रिसल की साइज़ 0.18 mm है, जो थिकनेस है 0.18 mm। साथ ही साथ इसके एक ब्रिसल की जो टिप की साइज़ है वो 0.03 mm है, जो कि मुंह के कोने कोने में जाके जो बैक्टीरिया होते हैं या प्लैग होते हैं उसको रिमूव करने पे भी ये जो टूथब्रश है हेल्प करता है। साथ ही साथ लॉन्ग समय तक आपके ब्रश, आपके जो ओरल केयर है उसको क्लीन रखता है। ये जो ब्रश है इसकी एक और खासियत है कि इसके जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स हैं, इसमें आप जो गोल्डन देख रहे हैं, गोल्डन सा आपको ऐसा लग रहा होगा कलर है, बट ये जस्ट गोल्डन कलर नहीं है। एटमी ने इसके ब्रिसल्स में 99.9% गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इंक्लूड किए हैं। उसकी एक मेम्ब्रेन, एक लेयर इसके ऊपर तैयार कर दी है, जिससे कि बैक्टीरिया इस ब्रश पर बिल्कुल भी ना पनपे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं जब हम उनको बताने जाते हैं और बताते हैं कि इस पर गोल्ड पाउडर की कोटिंग की गई है, तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो मैं बताती हूँ इसके पीछे का जो रीज़न है। हम लोग जो भी नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं, हम ब्रश को यूज़ करने के बाद हम हमारे वॉशरूम में ही रख देते हैं। जनरली ऑल टाइम हमारा जो वॉशरूम होता है वो गीला होता है, वेट होता है, गीली जगह पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। वहाँ एयर में, हमारे टॉयलेट शीट पर भी जो भी बैक्टीरिया हमारे एयर में मौजूद होते हैं वो ब्रश में आके घर बना लेते हैं। और नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल पानी से धो के हमारा पेस्ट लगाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब बैक्टीरिया से भरा हुआ ब्रश आपने अपने माउथ पर लगाया और माउथ से आपके दांतों से आपके अंदर भी जाता है, जो आपके दांतों के लिए भी नुकसान है, साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रश है इसमें क्योंकि गोल्ड की कोटिंग की गई है, गोल्ड पाउडर की, जिससे कि ये बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। बैक्टीरिया के साथ साथ गोल्ड में ताकत होती है कि वो खुद को ही अपने आप को साफ रखता है, जिसकी वजह से इस ब्रश का आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना ध्यान रखता है और बैक्टीरिया फ्री ब्रश है। दूसरा इसकी मैं बात करूँ, ये ओवल शेप का है, आप इसको देख रहे हैं, ओवल शेप का इसका जो है, और बहुत ही इजीली आपको ब्रशिंग कर देता है। इसका जो हैंडल भी है इजीली मतलब पकड़ में आ जाता है, या आपको मतलब दिक्कत नहीं होती है, कंफर्टेबल आपको बहुत रहता है। ये इन्होंने जो लिया है ये नॉन रबर और केमिकल से बना हुआ है, जो आपके एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं करता। साथ ही साथ सुपर स्लिम ब्रश है, मुँह के कोने कोने में जाके अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायमंड कट्स जो दिए हैं ना, ये वाकई में बहुत ही, मतलब जब आप इसको, क्या पता कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट लाइटिंग में तो ऐसे ऐसे बस आप दिखाते समय घुमा दो, क्या अट्रैक्शन होता है किसी भी पर्सन का, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगता है। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि गोल्ड हम खाएंगे तो क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं कर जाएगा। तो ये जो ब्रश है ये KIFA अप्रूव्ड है, कोरियन फार इंफ्रारेड एसोसिएशन द्वारा, कि इसका जो गोल्ड है वो ईटेबल है। साथ ही साथ ये जो ब्रश है ये रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ग्रेड मेडिकल डिवाइस FDA में रजिस्टर्ड है, और बहुत ही प्यारा ब्रश है। मैं तो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि वन टाइम इस ब्रश को आप लोग ज़रूर यूज़ करें और इसके बेनिफिट्स लें। ये टूथपेस्ट एंड टूथब्रश दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त है, आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको हेल्दी ओरल केयर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हमारे जो दांत है ना वो बहुत अनमोल है, एक बार जब गिर जाएंगे ना तो दोबारा वो लग नहीं सकते, या लगेंगे भी तो आप उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे। और दांतों से ही हमारी जो ब्यूटी होती है या एज होती है वो डिफाइन रहती है। पीले दांत या हमारे दांत गंदे होते हैं या अनइवन से होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, हम खुल के स्माइल भी नहीं कर पाते हैं। और जब हमारे दांत साफ होते हैं तो हम खुलकर हंस भी सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो ये जो पेस्ट और ब्रश है ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन से आपके लिए, आप इसको यूज़ कीजिए। ये आपको हेल्दी ओरल प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाएगा। अगर मुझसे इस पॉइंट में कुछ छूट भी गया हो कोई पॉइंट कहना, बट इस प्रोडक्ट को पता है कि इसको क्या काम आपके लिए करना है। साथ ही साथ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करेगा। और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी कोई डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर 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 यूज़ करें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है।
जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप जब कंसल्टेंसी फीस या चार्जेस देते हैं ना, तो उससे तो ये बहुत ही कम अमाउंट पर आपको पड़ता है। अगर आप डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करिएगा, मुझसे बात कीजिएगा। तो आपने देखा हमारा एटमी का आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट एटमी टूथपेस्ट, प्रोपोलिस टूथपेस्ट एंड एटमी एंटीबैक्टीरियल ब्रश कितने कमाल के प्रोडक्ट हैं। तो ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एवरीवन, टेक केयर।